अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं डोनट्स। उसके लिए हम हाफ कप पानी लेंगे। पानी ना बहुत ज़्यादा हम ठंडा लेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जैसे होता है इस तरह से। उसमें हम लोग 1 कप यीस्ट ले एक सॉरी एक 1 टेबल स्पून यीस्ट लेंगे और इस पानी में हम ऐड कर देंगे। इसके साथ 1 टीस्पून हम चीनी लेंगे और वो भी इसमें ऐड कर देंगे, उसको मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। हम इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इसको देखते हैं। ये देखिए हमारी यीस्ट अच्छे से राइज हो गई है। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम 2 कप मैदा डाल देंगे, 1 कप चीनी डाल देंगे। ये चीनी जब मैं इसको पीसने लगी थी, ये पीसी हुई चीनी है, ग्राइंड करने लगी थी, इसमें मैंने 4 से 5 इलायची के दाने डाल दिए थे, वो भी साथ इसमें के पाउडर बन गए। अब ये जो हमने यीस्ट राइस की थी, ये इसमें डाल दूंगी, 1 अंडा डाल दूंगी और 2 टेबलस्पून इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल दूंगी और इसको अच्छे से हम गूंद लेंगे, सबको नीट कर लेंगे। दो रेडी हो गए हैं। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। 2 को हमने रेडी करके बॉल में शिफ्ट कर लिए। अब हम इसको किसी प्लेट से या किसी कपड़े से कवर करके 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे इसको रख देंगे। तब तक वेट करेंगे जब तक ये डो अच्छे से राइज नहीं हो जाती। डो हमारी राइज हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और इसको मोटा मोटा बेल लेंगे। ये एक रोटी की तरह मैंने इसे बेल ली। ये दरमियान में आप देखें ब्लैक ब्लैक इलायची के आपको ज़रे नज़र आ रहे होंगे, इससे क्या होगा डोनट्स में बहुत प्यारी खुशबू आती है। इसकी थिकनेस देखें, ये इतनी थिकनेस रखी है मैंने, ये फिर फूल के डबल हो जाएंगे। अब मैं एक ग्लास लूँगी, पहले मैं उसको देखें ग्लास की मदद से ऐसे साइड से काट लूँगी। फिर ये मेरे पास नोज़ल है, नोज़ल की बैक साइड से इसको मैं दरमियान से कट करती जाऊँगी। इस तरह से मैं सारे डोनट्स कट कर लूँगी। डोनट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको 20 मिनट का गैप दूंगी, फिर मैं इनको फ्राई करूंगी। ऑयल गरम हो गया, अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके डोनट्स डालना शुरू कर देंगे। ये एक साइड हमारी फ्राई हो गई है तो हम इसकी एक दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह से सारे सारे डोनट्स जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। डोनट्स हमारे फ्राई हो गए हैं, देखें लाइट ब्राउन टाइप, कितना खूबसूरत कलर आया इसमें। अब एक एक करके ऑयल ड्रेन करके हम डोनट्स को निकाल लेंगे। ये चॉकलेट को ऑयल डाल के हमने मेल्ट कर लिए, अब हम डोनट्स को इस चॉकलेट में डिप कर करके निकालते जाएंगे। स्प्रिंकल डाल के डेकोरेशन करेंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब